हेलो एवरीवन, टुडे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन. क्वेश्चन इज व्हाट टू डू इफ योर लाइफ सक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर हेड कि एवरीबडी गेट्स दिस सिचुएशन मेनी टाइम्स इन लाइफ. नॉट इवन वंस, नॉट इवन ट्वाइस, नॉट इवन थ्राइस, मेनी मेनी मल्टीपल टाइम्स इट हैपन्स. एंड इट्स नॉट लाइक कि इफ यू डोंट एक्नोलेज इट, मतलब अगर उसको कन्फ्रंट नहीं करोगे आप तो आपकी जिंदगी ठीक चलती रहेगी. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर आप उसको फेस नहीं करोगे सिचुएशन को तो भी लाइफ वैसी ही चलने वाली है जो चल रही है, और उसको उतनी ही पैथेटिक रहेगी जितनी वो है. लेकिन प्रॉब्लम की कन्फ्रंटेशन हो जाने के बाद, प्रॉब्लम की फेसिंग या प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने के बाद एक पूरी की पूरी नई डायमेंशन खुलती है. वो ये है कि आपको फिर सॉल्यूशन भी दिखने लग जाते हैं. जैसे ही आपने एक्नॉलेज किया कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, यू विल स्टार्ट गेटिंग सॉल्यूशन अराउंड इट. अब वो कैसे होता है? वो होता है एक्चुअली सबके साथ है, सबके साथ प्रॉब्लम्स है और सबके साथ सॉल्यूशन भी है. वो होता ऐसे है कि वॉट एवर यू फील द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैंडेटरी, लाइक आपको दिल से लगेगा कि यार ये चीज़ तो होनी चाहिए मेरी लाइफ में, वही आपका फर्स्ट स्टेप होगा. उसके सराउंडिंग में भी कुछ नहीं, कोई और भी चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा फाइनेंशियल क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहा है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कैसे भी करके पैसे अर्न करना. पैसे अर्न करने के काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी इस दुनिया में अवेलेबल हैं. इनफैक्ट पैसे ही अर्न करने के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि आदमी पैसे के पीछे बहुत पागल है तो रिसोर्सेज भी उतने ही ज़्यादा है. आपको ये देखना होगा कि आपकी स्किल के हिसाब से कौन सी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है और उसको पकड़ो और उसको पहले करो. सिमिलरली अगर कोई इंसान फिटनेस से स्ट्रगल कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो पहला स्टेप यू एक्नॉलेज इट, यू स्टडी द प्रॉब्लम वेरी वेल. जब आप स्टडी कर रहे हो तो फिक्स उसी टाइम पे आपको सॉल्यूशन स्ट्राइक कर जाएगा, दिल में स्ट्राइक करेगा. आपको पता रहेगा कि भाई हाँ, अगर मेरे में थोड़ा सा मोटापा आ गया है, वजन बढ़ गया है, तो मुझे वॉक करनी है. आपको हमेशा पता रहता है. ओनली थिंग इज़ यू डोंट टेक दोज चैलेंजेस, यू डोंट टेक इवन ए सिंगल स्टेप टूवर्ड्स इट, बिकॉज यू आर वेरी मच इन कम्फर्ट जोन. और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कम्फर्ट में टाइम बिता देने के बाद भी टाइम तो अपनी स्पीड से जा ही रहा है और प्रॉब्लम टाइम के साथ बढ़ती जाती है. ये बिल्कुल वैसा है, आप किसी कीचड़ के दलदल में फंस गए हो और एवरी सेकेंड यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर, और आपको बचाने के लिए एक रस्सी भी अवेलेबल है लेकिन वो रस्सी को आप पकड़ नहीं रहे हो, क्योंकि आपको ये फीलिंग है कि यू आर टू वीक. लेकिन फर्स्ट स्टेप उस रस्सी को पकड़ना ही है, पहले उस रस्सी को पकड़ो. और एक और बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि जो बंदे ने आज उस रस्सी को नहीं पकड़ा, वो कल के दिन तो थोड़ा सा और वीक हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ वो वीक से वीकर ही होता जा रहा है और वीक हो जाएगा. तो जिसने आज रस्सी पकड़ने का फैसला नहीं किया, वो कल उस फैसले को और भी ज़्यादा उस फैसले के लिए वीक हो जाएगा. तो कल तो उसका और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा गिर जाएगा, उसके आने वाले दिन और ज़्यादा उसका प्रोबेबिलिटी गिर जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ गिरती 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 जाती है. लेकिन लाइफ का सबसे पॉजिटिव साइड ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी कभी इतने वीक नहीं होगे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर काम ना कर सको. दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट लाइफ. बट हाँ, मेंटली हम वीक हो जाते हैं तो हम इस एनर्जी को कभी फील नहीं कर पाते. तो एक तो वो मेंटलिटी स्ट्रेंथ होना चाहिए. स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे आता है एक्चुअली. आपको बस ये फैसला करना है, भले इफ़ यू आर फीलिंग वीक, उस रस्सी को पकड़ लो यार. वही पहला स्टेप है, वही रस्सी आपको बाहर खींचेगी. वैसे ही जो आपका मिनिमलिस्टिक बेसिक फर्स्ट स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, यू विल हैव टू वॉक ऑन टू दैट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकंड, स्लोली. कितना भी स्लो होगा चलेगा. टाइम के साथ धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती जाती है, धीरे धीरे वो चीज़ आपकी बचाने वाली रस्सी बन जाती है. अब जो ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, वो ये है कि इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है लाइफ में. और ये इग्नोरेंस ही ऐसा कीड़ा है जिसकी वजह से वो आदमी कई बार उस रस्सी को देखने भर से भी चूक जाता है. पकड़ना तो खैर दूर की बात है, अगर देख ही नहीं पाएगा तो पकड़ेगा क्या. तो इग्नोरेंस इज़ लाइक बिगेस्ट वीकनेस ऑफ ह्यूमन बींग. अगर इग्नोरेंस किसी इंसान में है तो वो उसके लिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. जो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट लोग हैं उनके लिए एक सिंपल सा एक कोट मैं देता हूँ, इफ़ लाइफ सक्स यू, यू स्टॉप सकिंग द लाइफ. राइट, अगर आपने उसको घटिया चीज़ें फीड करी है तो लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा आउटपुट नहीं देने वाली. लाइफ को हमेशा बेहतर चीज़ों से उसकी फुलफिलमेंट करो, हमेशा मेहनत करते रहो और चीज़ों को इग्नोर मत करो. एक और चीज़, जो आदमी जितना मेहनती होता है उतना ही कम इग्नोरेंट भी होगा. तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हो, और जैसे ही इग्नोरेंस ख़त्म ज़िंदगी से, आपके लिए सॉल्यूशंस की बाढ़ आ जाएगी. एक नहीं, कई तरह के सॉल्यूशन आ जाएंगे जब भी कभी आपके पास प्रॉब्लम आया करेगी. प्रॉब्लम हमेशा एक होती है, उसके सॉल्यूशन हमेशा हज़ारों पचासों बहुत होते हैं, हमेशा बहुत होते हैं. बट इग्नोरेंट गाइज विल नेवर बी रियलाइजिंग इट. उनको कभी एक सोल्यूशन भी पूरा नहीं दिखता ठीक से. तो एक तो मेहनती बनना है, दूसरा इग्नोरेंस को खत्म करना है. करेंट की स्टेट को सुधार लो, फ्यूचर की स्टेट अपने आप सुधर जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.